दुनिया बेवकूफ है, बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। इस युग में हम जिस ओर भी आंख घुमाकर देख लें, हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है, जिसमें ये सभी आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ और पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चीटिंग ऑन कैमरा पार्ट 3। अगर आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा तो मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऐसी मशीन देने वाला हूँ जिसमें चढ़ने के बाद पल भर में आपका 76 किलो का वजन एक बटन दबाते 38 किलो का हो जाएगा। इसका वजन देखना, मेरा वजन है 76 किलो। कितना आ रहा? मान लो 76 हो गया। 76 आ रहा मेरा वजन, ये देखते जाना जी। इसके बाद अब इसका ये रिमोट दबाऊंगा, ये वाला। अब मेरा वजन देखो, मिनटों में पतला करे। ये देखो इतना सारा लोहा लंगड़ो, ये सारी चीज हम बेच रहे थे और इसने वजन को कर दिया आधा। ये तभी समझ में आ गया था कि ये गड़बड़ कर रहा है। दरअसल ये भी एक तरह का फ्रॉड है। इसमें कबाड़ी वाले वेट मशीन के साथ छेड़छाड़ करके उसे रिमोट से कंट्रोल करते हैं। सामान तोलने के दौरान ये जेब में रखे रिमोट के बटन को बाहर से ही चुपचाप दबा देते हैं, जिससे उस सामान का असली वजन अपने आप मशीन कम बताने लगती है। जैसे 57 किलो के व्यक्ति का वजन रिमोट से बटन दबा देने के बाद मशीन में 25 किलो बताने लगेगा, जो ओरिजिनल वजन के आधे से भी कम है। रिमोट है, रिमोट दिखा बेटे। हेलो, रिमोट निकाल जरा। अरे निकालेगा नहीं, वो करेगा। निकाल रिमोट। हाँ कर तो सही, निकाल तो सही रिमोट। क्या रिमोट है तेरे पास? कौन सा रिमोट? कौन सा? हाँ जी कर दिया। हाँ देखो एक मिनट, ये रिमोट से काम कर रहा है अभी, करिए रिमोट से बदल। ये देखिए, ये 57 किलो का आदमी अब इसको कितने किलो का बना दिया? बनाओ बेटे दोबारा रिमोट। हमें रिमोट बना 25 किलो का कर दिया। ये रिमोट इसके पास नहीं, इसके पास है। गुजरात के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गली गली घूमकर भंगार यानी कि कबाड़ खरीदने वाले एक शख्स की चोरी लोगों ने पकड़ ली, और कबाड़ वाले से जब पहले बोरी का वजन तुलवाया तो करीब 6.5 किलो आया। वही इसने जो चतुराई से मशीन में पत्थर रखा था, जब उसे हटवाया गया तो उसी बोरी का वजन 9.5 किलो आया। ये लोग अपनी मशीन के नीचे पत्थर रख दिया करते हैं, जिस वजह से तोली गई रीडिंग में तकरीबन 3 से 4 किलो तक का अंतर आ जाता है। गजब। इन लोगों ने तो तराजू जैसे साधारण चीज में भी जुगाड़ कर उसे फ्रॉड का जरिया बना दिया है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर की ओर जो कांटा होता है और बताता है कि किस तरह वजन ज्यादा है, उसे लॉक कर देते हैं, जिस वजह से आप एक साइड कितना भी वजन डाल लें वो दूसरी साइड रखे कम वजन के बाट के बराबर ही बताएगा। ये स्क्वायर हो गया तो ये अब इधर उधर कहीं हिलेगा नहीं। ये खोल, अब ये खोल देने से ये सब ये हिलेगा। और इसको अगर ऐसे लॉक कर दिए, इसमें लॉक करना भी है थोड़ा सा ऐसे, ये लॉक कर देने से ये स्क्वायर से स्क्वायर फंस जाता है और ये बराबर हो जाता है। बिल्कुल। रेस्टोरेंट के इन स्कैम्स को देखकर आपकी शक्ल भी राजपाल यादव जैसी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ रुपेश वाघमरे ने दिखाया कि इतनी गहराई होने के बावजूद जब चम्मच उसमें डुबोया जाता है तो चिकन करी चुल्लू भर भी नहीं निकलती। रेस्टोरेंट वाले भैया तो एक बार फिर भी ठीक थे, लेकिन फिलीपींस की इस महिला के साथ तो हड्डी हो गई, जिसने ऑर्डर तो फ्राइड चिकन किया था लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाले ने हाथ पहुंचने वाली तौलिया ही बेसन में लपेट कर फ्राई करके भेज दी। एक तो वैसे भी पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऊपर से इसमें थोड़ी बची खुची कसर भी पेट्रोल पंप वाले पूरी कर रहे हैं। दिल्ली के इस पेट्रोल पंप से तिहाड़ जेल का सिपाही गुजर रहा था, लेकिन उसने इनकी कारस्तानी पकड़ ली। जब उसने जांच की तो मिलावट का स्तर देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने देखा कि पेट्रोल पंप में दिए जा रहे पेट्रोल में पेट्रोल की जगह सफेद दूध जैसा सिर्फ पानी दिया जा रहा है, और वो भी बेबाक तरीके से। सीधा ही ये देखो भाई, ये देखो पानी। चलने दे, चलने दे। जनाब ये पेट्रोल पंप से पानी भरा जा रहा है, ये देखो दूध निकल रहा है हाथों में, ये देखो ये देखो ये दूध है ये जी।
पानी की जगह दूध आ रहा है। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि जब पेट्रोल को निकाला गया तो वो किसी मिलावटी दूध की तरह दिख रहा था, और पता नहीं इस मिलावट के साथ पेट्रोल पंप वालों ने कितने लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा होगा। ये है वर्ल्ड कप का दूध। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक पकोड़े के ठेले में वो सोयाबीन तेल भारी मात्रा में पाया गया, जिसे सरकार गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए बाल विकास सेवा योजना के जरिए फ्री में या बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कराती है। और दुकानदार से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे बस किसी ने तेल 50 रुपए किलो में बेचने को दे दिया तो उसने खरीद लिया। बाकी इस तेल का क्या मतलब है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। सच में ऐसे फ्रॉड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरे बाजार में चप्पलों से मारने का जी करता है। एक बड़े से W के नीचे पैसा मिला हो या ना मिला हो, पर मुंबई के इस मकान में तो टाइल्स को अंदर सरकाने के बाद इनकम टैक्स वालों ने रेड करने पर तकरीबन 10 करोड़ कैश और 19 किलो चांदी बरामद की, जिसे सुनने के बाद तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। दिसंबर 2021 के दौरान मनीष बिश्नोई नामक युवक ने अपने मिशन वाइट नामक यूट्यूब चैनल पर एक क्लिप अपलोड की, जिसमें देखा गया राजस्थान के जयपुर के पत्रकार कॉलोनी इलाके से मनीष के पास कुछ महिलाएं और लड़कियां एक पर्चा लेकर आती हैं और लाचार बनकर पैसों की मांग करने लग जाती हैं। लेकिन मनीष ने उनकी मदद करने से पहले अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वीडियो पर उनसे कुछ सवाल पूछने लगा। अब वीडियो चालू देख सभी मोहतरमाएं घबरा गई और उनसे बिना मदद लिए ही दूर भागना शुरू हो गई, लेकिन मनीष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भागने की वजह पूछने लगा। मगर महिलाओं ने उसे वजह बताने की बजाय धमकियां देना शुरू कर दिया और जैसे तैसे बचकर एक ऑटो में चढ़कर भाग निकली। तब मनीष को पता चला कि ये सभी महिलाएं कोई जरूरतमंद नहीं थी, बल्कि वे सभी लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे लूटने का धंधा कर रही थी। वैसे क्या आपकी कभी ऐसे फ्रॉड लुटेरों से मुलाकात हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कर देना। दूध हर घर की जरूरत है, दूध हर कोई पीता है, लेकिन यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। दिसंबर 2017 के दिन रायपुर से सामने आई इस वीडियो में एक दूध वाले को सुनसान गली में 10 लीटर वाले दूध के कंटेनर में लगभग 4 लीटर पानी को मिलाते हुए खुलेआम रिकॉर्ड कर लिया गया। ये लोग न केवल हमारी जेब से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हमारी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी कैसा है कौन जानता है। वो दूध वाला तो आराम से सुनसान गली में मिलावट कर रहा था, लेकिन दक्षिण भारत की इन तस्वीरों में तो देखिए कैसे खुलेआम बेखौफ होकर दूध में पानी मिलाने का पूरा व्यापार ही चल रहा है। ऐसे ही ये महाशय ट्रेन के स्वच्छ जल को दूध में मिलाते हुए देखे गए। ठीक ऐसे ही गाजीपुर में अपनी बालकनी से खड़े खड़े शैलेंद्र प्रताप सिंह को उनका दूध वाला उनके घर के नीचे ही दूध में पानी मिलाते हुए दिखाई दे दिया। वैसे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि वहां से भी इस तरह की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है, जैसे पॉलीथीन में पानी भरकर कंटेनर में मिलाकर अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हो सकता है सफेद रंग के लिए इन्होंने केमिकल भी डाला हो। यही नहीं, अब तो अमूल जैसे ट्रस्टेड ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और असली दूध निकाल कर बिचौलियों द्वारा नकली दूध भर दिया जा रहा है और पैकेट को दोबारा सील कर दिया जा रहा है। यानी हर जगह मिलावट ने पैर पसार लिए हैं भाई। पैकिंग को देखिएगा ध्यान से और ये वाले हिस्से को देखिएगा। इस पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से पैकेट को काट के इसमें से दूध निकाल के इसमें नकली दूध भरा हुआ है। अक्सर हम बाहर का चटपटा खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक नजर इन वीडियोस पर डाल लीजिए। रतलाम के इस डोसा ढाबे से एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें प्लेट्स को धोने की बजाय सिर्फ कपड़े से साफ कर दोबारा ग्राहकों को डोसा परोसा जा रहा है। कुछ इसी तरह 2019 में ही चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के एक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आई, जहाँ के बर्तन जमीन में जमे हुए पानी से धोए जा रहे हैं और फिर उनमें लजीज खाना परोसा जा रहा है।